नमस्कार, खबर रिकॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज का हमारा डिस्कशन का थीम रबर को लेकर है, जहां पर भावों में बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिली है। और अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक यहां पर 20% की गिरावट भी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो गिरावट है और भारतीय बाजारों में भी काफी हद तक हमने भावों को नीचे की तरफ ही जाते हुए देखा है। अगर 5 सालों के औसत भावों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा लेकिन इसी साल में भी देखने को मिले हैं। क्या है इसके कारण, किस तरह की प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इंपोर्ट देखने को मिले हैं और रबर की तरफ से जो टायर इंडस्ट्री की डिमांड आ रही है वो कैसी फिलहाल यहां पर दिखती है, इन सभी फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश केजरीवाल, साथ ही बोनाफाइड रबर एंटरप्राइज के पार्टनर केतन जोशी और एक्यूमन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। तो टोटल रबर के बारे में यहां पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। केतन जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ जिस तरह से भावों में तेजी देखने को मिली है, इंटरनेशनल प्राइसेस में हल्की सी बढ़त जो देखने को मिली है, उसे कैसे रीड करते हैं आप? सेम प्राइसेस आर करंटली विच आर प्रिवेलिंग बिकॉज वी आर हेडिंग, वी आर इन द क्रॉपिंग सीजन। तो टिल जनवरी 15th आई डोंट फोरसी मच फ्लक्चुएशन इन इंडियन प्राइसेस। टैपिंग जैसे आपने कहा कि पीक सीजन पे है, केतन जी किस तरह की अराइवल्स हैं फिलहाल एंड जिस तरह के प्राइसेस हैं, क्या आवक बाजार में आराम से आ पा रही है? हाँ जी, आराम से आ पा रही है एंड रेगुलर डिस्पैचेस भी हो रहे हैं, सो देयर इज नो इश्यू करंटली। राइट अक्षय जी, ये क्वेश्चन आपसे है। ऐसा माना जाता है कि 70% ऑफ जो नेचुरल रबर की डिमांड है वो टायर सेक्टर की तरफ से आती है। पिछले 2 साल यहाँ पर हमने थोड़ी सी वीकनेस जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन अब यहाँ पर रबर की डिमांड टायर सेक्टर से कैसी है? अक्षय जी, एक क्वेश्चन आपसे है। अक्षय जी, कैसी है डिमांड टायर सेक्टर से फिलहाल? ऑलराइट, अक्षय जी को शायद यहां पर आवाज नहीं आ पा रही है। रमेश जी, वही क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहेंगे, किस तरह की मांग है, डिमांड है फिलहाल मार्केट्स में? डिमांड तो अच्छी है, चूंकि टायर सेक्टर ने काफी रबर इंपोर्ट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ रबर कंपाउंड, इसलिए मार्केट से अभी थोड़ा सा परचेसिंग कम कर रखा है, वो भी एक कारण है जैसे कि रबर की गिरावट, रेट में गिरावट है भारतीय बाजार में। क्लियरली ईयर ऑन ईयर जब हम देखते हैं तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लास्ट ईयर के रबर बोर्ड की जो वेबसाइट पे प्राइसेस हैं, लास्ट ईयर का एवरेज 170 रुपए प्रति किलो था, अब इस वक्त हम यहाँ पर 149-148 रुपीज पर केजी के लोज पर भी काम करते हुए नजर आए हैं। रमेश जी, कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइस डिक्लाइन? आपको लगता है हम बॉटम के करीब है या बिकॉज ये टैपिंग सीजन है यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है? मैडम, हम लोग ऑलमोस्ट बॉटम के करीब है। दो रीजन है, एक तो डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा डिमांड कम है और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड काफी कम है चाइना के वजह से। चाइना 43% रबर कंज्यूम करता है ऑल ओवर वर्ल्ड का जो रबर प्रोड्यूसिंग है उसका, तो वहां पर डिमांड काफी कम है। उसके चलते क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस काफी कम है, इवन एनर्जी क्राइसिस है और इन्फ्लेशन भी काफी है, इसलिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उनके कारण से ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, तो ग्लोबल रिसेशन के कारण फॉरेन मार्केट में प्राइसेस काफी कम है, इसका इफेक्ट इंडिया में भी आ रहा है और इसके चलते इंडियन मार्केट में भी प्राइसेस कम है। अगर इंडियन मार्केट में करीबन 20-25 रुपए किलो अभी भी जाता है कंपेयर टू डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑलराइट, तो अराइवल्स है बाजार में, मांग को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं स्पेशली चाइना की तरफ से और इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडियन प्राइसेस अभी भी ऑन द हायर साइड है। अक्षय जी, आप यू नो लास्ट कपल ऑफ इयर्स इवन एज टायर की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेडिकल ग्लव्स की डिमांड अच्छी खासी थी, लेटेक्स की डिमांड अच्छी थी और उसका सपोर्ट हमने रबर प्राइसेस में कहीं ना कहीं आते हुए देखा। आप एज ऑफ नाउ टायर्स की तो हमने बात करी, लेकिन लेटेक्स और ग्लव्स की डिमांड कैसी आता हुआ देखते हैं, वो इंडस्ट्री कैसी दिखती है? अक्षय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, लगता है अक्षय जी के साथ हमारा संपर्क अभी भी यहां पर नहीं बन पाया है। केतन जी, आप कैसे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम टायर इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री, चाहे वो फुटवेयर है, ग्लव्स है, वहां से किस तरह की डिमांड है? द डिमांड इन द नॉन टायर सेक्टर इज एक्सट्रीमली लो बिकॉज दे आर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल,
एंड दे डोंट जनरली एक्सपोर्ट इन ह्यूज क्वांटिटीज, सो ऑफटेक इज जस्ट 30%. As you rightly said, 70% is consumed by the tire sector. Non-tire sector is doing it steadily. Their growth is just 2% or 3% per annum. Clear numbers भी यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे हमारे गेस्ट से. रमेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की प्रोडक्शन इस साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का इम्पोर्ट्स भी फिर आप देखते हैं. इम्पोर्ट्स का फिगर अच्छा ही है. अभी 2022 में इम्पोर्ट जो हुए हैं करीबन 613 मिलियन के हुए हैं. ओके, 22 में हुए हैं ये, और 22 से 232 मिलियन डॉलर्स हुए हैं. और करीब करीब 6 महीने और बाकी है, 8-9-7-6-4-5 महीना बाकी है. इसमें भी जो इम्पोर्ट है वो फिगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन सेम ही रहेगा. तो ये अपर ट्रेंड नहीं है, एक ही स्थिति बनी हुई है साल बाय साल. जैसे आपने कहा क्लियरली अर्ली डेज हैं, लेकिन रमेश जी आप सॉरी केतन जी आप भी कैसे देखते हैं किस तरह का प्रोडक्शन इंपोर्ट्स और क्या कंजम्पशन सामने रह सकती है, डिमांड ग्रोथ कैसी देखते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? इंपोर्ट्स विल डेफिनेटली मीट द शॉर्टफॉल. जो गैप है बिटवीन द डोमेस्टिक सप्लाई एंड द कंजम्पशन, और बेसिकली टायर कंपनीज आर इंपोर्टिंग टेक्निकली स्पेसिफाइड रबर्स. So they have to come to the Indian markets to buy the sheet rubber. So that is why I don't foresee any fall in the sheet prices. In fact, from January onwards, we may see an upward trend in the sheet prices. All right. Akshay ji, maybe third time lucky होने की कोशिश करूंगी यहाँ पे. आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप कैसे देखते हैं सभी numbers, चाहे वो production, consumption या prices के लिहाज से हो? हाँ जी, अभी आवाज clear है. Thank you for calling me, Manisha ji. हाँ जी. जनरली मतलब अभी देखा तो प्रोडक्शन जो है मोरलेस स्टेडी बोल सकते हैं, तकरीबन 3-5% का ही ग्रोथ उसमें दिख रहा है. एंड बेसिक सप्लाई का जो इश्यू है वो चाइना का जो अभी जो ओपन अप करेंगे बोल रहे हैं उसके कारण थोड़ा रिलीफ मिल सकता है. ये कोविड के जो उनमें जो कंपनी जीरो कोविड पॉलिसी के कारण डिमांड काफी कम हो गया था वहां से, एंड बिकॉज एज ए लार्जेस्ट कंज्यूमर वो लोग ओपन करेंगे तो डिमांड वापस आ सकती है. बट व्हाट वी शुड नॉट फॉरगेट इज कि पूरी दुनिया में अभी पीक सीजन है, जनवरी तक पीक प्रोडक्शन रहेगा, तो उसके कारण प्राइसेस जनरली सब्ड्यूड ही रहने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं. अक्षय जी, जैसे आपने कहा अभी मार्केट्स में आवक है, प्राइसेस थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी है, लेकिन क्या यही समय भी होता है जब क्वालिटी बेहतर होती है और स्टॉकिंग हम ज्यादा आता हुआ देखते हैं, या उसमें थोड़ा सा डिलेट एक्सपेक्ट करेंगे आप? सीजनली यही टाइम होता है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी सीजनली टाइम होता है जब थोड़ी बहुत स्टॉक शुरू होती है, बिकॉज ये वाज़ पीक प्रोडक्शन टाइम. तो वो प्रोसेस अभी शुरू होने वाला है जहाँ कंपनी सब लोग मतलब स्टॉक करना शुरू करेंगे. एंड वन एक फैक्टर ये भी है कि दिवाली से पहले काफी सारे टायर कंपनीज ने प्रोडक्शन कट किए थे, वो भी अभी धीरे धीरे रिवाइव होने लग गए हैं, तो उसका भी एक फर्क डिमांड एंड सप्लाई में डेफिनेटली पड़ेगा. एब्सोल्युटली. एक और चीज जो डिमांड को लेकर है केतन जी, वो हम लास्ट क्वार्टर हर साल में देखते हैं कि चाहे वो फेस्टिविटीज हैं, वेडिंग्स हैं, या बाइंग परचेजिंग पावर जो है वो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ जाती है, क्या रबर को उसका फायदा भी आता हुआ नजर आएगा? Yes, definitely. Because peak season generally gets over by January 15th. So, जो भी production होता है, whatever good material they require quality which is produced now. So people have to stock it because from January to March, more than 45 to 60 days, it's a lean season where the crop drops drastically. It is around only 25% due to the extreme heat generated and leaf fall. So we expect the prices to ramp up during those days. मेरा फाइनल सवाल आप सभी से. Definitely demand also picks up. एब्सोल्युटली. मेरा फाइनल सवाल आप सभी से प्राइस पूछने का ही होगा, लेकिन उससे पहले एक और मैक्रो फैक्टर, और वो है कच्चे तेल के प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस. रमेश जी, हम यूजली जब रबर की बात करते हैं, अभी तो खैर बहुत सारी अनसर्टनिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं, लेकिन कितना डायरेक्ट रिलेशन आप रबर प्राइसेस का क्रूड से आता हुआ देखते हैं? क्रूड इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू द प्राइसेस ऑफ रॉ रबर. नो कनेक्शन इनडायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इट इज स्टिल कनेक्टेड. जब हमने देखा है कि क्रूड की प्राइसेस कम होती है तो रबर की भी प्राइसेस कम होती है, तो अभी क्रूड भी थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है, तो ये अफेक्ट अभी रहेगा. मगर आई थिंक आफ्टर जनवरी रबर के प्राइसेस एक बार फिर से अपने कुछ सिचुएशन को धीरे धीरे आ जाएंगे.
ऑलराइट, तो हमने काफी सारे फैक्टर्स, फंडामेंटल्स, मैक्रोस की भी यहाँ पर बात करी है। आप सभी के पास एक बार फाइनल बार आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि कौन सा वो फंडामेंटल है जो आप रबर के प्राइसेस के हिसाब से वॉच करेंगे और आपके हिसाब से आने वाले 3-4 महीने ये पीक टैपिंग पीरियड में आपको क्या लगता है रबर प्राइसेस की क्या रेंज रह सकती है। अक्षय जी आपसे शुरुआत करेंगे, क्या एक फंडामेंटल आप वॉच करेंगे और किस प्राइस रेंज के साथ काम कर रहे हैं आप? एक सिंगल अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो वो चाइना डिमांड होगा। बिकॉज दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कंजम्पशन होता है, ऑलमोस्ट 40-45% कंजम्पशन होता ही है। तो एज फार एज प्राइस आर कंसर्न, हमको ये लग रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट ही होना चाहिए बिकॉज प्रोडक्शन काफी है, पीक सीजन है, तो अगले 2-3 महीने में प्रेशर जनरली या तो न्यूट्रल या डाउनवर्ड के ज्यादा चांसेस हैं। अक्षय जी तो भी अगर एक रेंज देनी चाहें तो क्या किस रेंज में अटक सकते हैं रबर के प्राइसेस? 146-152। ओके, केतन जी आपको क्या लगता है क्या फंडामेंटल आप वॉच करेंगे और क्या प्राइस रेंज आप देखेंगे? आई सी दिस प्राइसेस बिटवीन 148 एंड 155 टिल जनवरी। और क्या फंडामेंटल्स के तौर पर आप वॉच करेंगे? बेसिकली पीक सीजन है एंड डिमांड ऑल्सो इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, तो दैट इज द रीजन व्हाई आई फाइंड द प्राइसेस टू बी स्टेबल फॉर दीज 2 मंथ्स। एंड फाइनली रमेश जी आप क्या फंडामेंटल वॉच करेंगे और आपकी प्राइस रेंज अब क्या बनती हुई दिखेगी? 150-155 के आसपास रहेगा जनवरी तक में, क्योंकि डायरेक्ट ने परचेजिंग काफी कर रखी है, उसने बॉन्ड वगैरह काफी परचेज कर रखा है से, उनके पास स्टॉक बिल्डअप किया हुआ है उनका, इसीलिए पैसे जो है 155 के आसपास ही रहेंगे टिल जनवरी। ओके, सो रमेश जी क्लियरली हम लोज देख चुके हैं यहाँ पर 148-147 जैसे भी, आपको लगता है कि पीक टैपिंग सीजन में भी अगर यहाँ पर 150 बियॉन्ड प्राइसेस हैं, इसका मतलब है एक लो डेफिनेटली रबर प्राइसेस में बन चुका है। तो बुरे दिन यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के हिसाब से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, प्राइसेस में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, प्रोडक्शन कंजम्पशन लास्ट ईयर के हिसाब से ही है। और एक और चीज जो देखने वाली वो ये कि रबर प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में अभी भी ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इम्पोर्ट्स क्लियरली वो हमें यहाँ पर दर्शाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश जी, केतन जी एंड अक्षय जी, और वो पूरा रबर इंडस्ट्री का 360 डिग्रीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, बात यहां पर हम गोल्ड सिल्वर की करेंगे, प्रेशियस मेटल्स में ज्यादा उछाल है, यहां पर कैसे कारोबार बताएंगे आपको। नमस्कार, रबर के बाद अब बात करते हैं सोने चांदी की, यहां पर लगातार तेजी जारी है, सोना 3 महीने तो चांदी 5 महीने की ऊंचाई पर है। हमारे साथ अब जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक और पैडम कमोडिटीज के बीरेन वकील इसी पर डिस्कस करने के लिए। और तेजी आपकी स्क्रीन पर वहां नजर भी आ रही है, $1780 पर यहां पर अब सोना है, 53,130 के लेवल्स पे भारतीय बाजारों में। प्रीतम कैसे देखते हैं सोने के करंट प्राइसेस और क्या यहां से भी खरीदने की राय देंगे? मनीषा मेरे को तो लगता है कि मार्केट इज कंसीडरिंग बोथ सीपीआई और पीपीआई डेटा, दोनों ही थोड़ा वीक आया है, तो ये सेंस दिखाता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कहीं प्लेटो कर रहा है, कि पर हम लोग ज्यादा इसको ओवर एग्जैजरेट करके एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी डेटा कुछ अलग आ गया तो मार्केट का ट्रेंड वहीं से घूम सकता है। पर वो कह रहे हैं साथ ही साथ में गोल्ड में एक चीज और हुआ है कि जो रशियन उसकी पूर्ति नहीं हुई है, पर ये डाउट हो रहा है कि रशिया ने एक नेटो नेशन पोलैंड पे एक मिसाइल अटैक किया है, तो कहने सेफ हेवन डिमांड के चक्कर में भी गोल्ड में हम लोगों ने एक रैली देखी थी। बट आज एक प्राइस मूवमेंट इंट्राडे बेसिस पे आप मेरे को मांगे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से एक बार एक 53,300 लेवल पे आता तो एक बार इंट्राडे शॉर्ट करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 53,500 और टारगेट रहेगा 53,000 का। पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी आप एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बट शॉर्ट टर्म पे जैसे मैंने बोला एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली, अगस्त का हाई 53,300 का था, अप्रैल का हाई 53,600 का था, तो वो लेवल्स अब चार्ट्स पे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीरेन जी आप कैसे देखेंगे सोना, और काफी सारे लोग शादियों के हिसाब से तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बस मिस कर दी है, क्या ये सही लेवल्स हैं या डिप का वेट करें? जो ट्रेडर है उनको तो इस लेवल पे बाई करना मैं नहीं समझता, बैनिंग डॉक्स से आउट वो मैं समझता हूँ।
और जिनकी शादी के हिसाब से जो डिमांड है वो सोशल गोल्ड को हम कहेंगे वो तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस टाइमिंग इश्यू। बट जो लोग वेट कर सकते हैं उनको हम नए साल में लेना चाहिए। अब धीरे धीरे करके हम थीम ट्रेडिंग सिस्टम में जा रहे हैं इसमें। तो इस साल के अंत तक अब आप बिरेन जी सोने की क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं? अगर ट्रेंड डाइवर्ट नहीं करता है 13-14 की मीटिंग में तो जो ये हम थोड़ा यूफोरिया जो देख रहे हैं डाइवर्ट का चाइना ही ओपन का ये थोड़ा सब्सिडाइज हो जाएगा। अभी जो देख रहे हैं तो शायद ओवर ऑप्टिमिज्म है। मार्केट बहुत ज्यादा कम में था तो कहीं से खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। प्रीतम आप कैसे देखेंगे ये फाइनल क्वार्टर, कैसे देखते हैं साल खत्म होता हुआ सोने के लिहाज से? मुझे तो लगता है कि मनीषा जैसे आपने बोला था 43,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसको ब्रीच करता है तो 44,000 तो डेफिनेटली टच कर ही सकता है गोल्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बट जैसे हमने बोला एक मेजर इवेंट है, सबकी एस्टिमेशन है कि 85% एस्टिमेशन है कि फेड नेक्स्ट मीट में सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगा, बट रेट हाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उनका नैरेटिव कैसा रहेगा। तो कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग अग्रेसिव स्टैंड लेंगे क्योंकि जो डिस्कशंस हुए हाल फिलहाल में फेड के ऑफिशियल से कहीं ना कहीं वो सेंस बता रहे हैं कि इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका इन्फ्लेशन टारगेट 2% का है। सो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से एक बार 54,000 तो जरूर दिखाएगा बिफोर दिस ईयर एंड। ऑलराइट, बात अब चांदी की कर लेते हैं जहां पर आज भी 2% का इजाफा है। बिरेन जी यहां पे क्या राय है? यहाँ थोड़ा रिस्क ऑन ट्रेड हो सकता है, यहाँ 61,800 या 62,200 के आसपास पे बाइंग कर सकते हैं। अक्सर इंजीनियरिंग इसमें 64.865 का रहेगा 3-4 दिन बाइंग के लिए। ऑलराइट, और एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म अगर देखना चाहें तो प्रीतम क्या राय है चांदी के लिए ईयर एंड तक? मेरे को भी अगेन लगता है यहाँ पे मैं 64,000-64,500 का लेवल भी यहाँ पे दिखा सकता है चांदी। एग्रेशन बहुत बाकी है पर अनफॉर्चुनेटली चांदी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका एक अम्बिकल कॉर्ड है विद द इक्विटी मार्केट कि वो सस्टेन रहा तो कहीं ना कहीं तेजी उससे भी आगे निकल सकती है। पर यदि मार्केट में कुछ ज्यादा हाल फिलहाल में ज्यादा करेक्शन देखती है तो शायद से वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहकर 64,000-64,500 के लेवल पे रह जाएगा। तो लॉन्ग टर्म तो यहाँ पर खरीद के चलना ही है, लेकिन अपनी बाइंग पोजीशंस आप किन स्तरों पे बनाते हैं वो देखना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिरेन जी 100 में से कितना सोने और कितने चांदी में बांटेंगे आप? 65 गोल्ड एंड 35 सिल्वर। प्रीतम आप? मैं भी 60-40 का रेशियो में करूंगा, 60% टुवर्ड्स गोल्ड 40% टुवर्ड्स सिल्वर। सिल्वर में जो अल्फा बनेगा विल ऑटोमेटिकली मेक इट 50-50 इन टर्म्स ऑफ रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो। बिरेन जी बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले महीने जब हम बात कर रहे थे लोगों से तो उन्होंने कहा था कि चांदी पर ही निवेश करना चाहिए और चांदी में वो 70-80% भी डालने को तैयार थे। क्या कुछ एक महीने में बदल गया यहाँ पे? बेसिकली ये चाइना रही ओपन रहे और फेड आई बैक, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस मिडटर्म सरप्राइजिंग रिजल्ट आए तो बहुत सारी कैश जो साइडलाइन पड़ी थी वो अब मार्केट में आएगी, हर रिस्क को एसेट में आएगी। ऑलराइट, वो राय है यहाँ पर सोने और चांदी में। बहुत जोरदार तेजी आज भी यहाँ पर देखने को मिली है, नियर टर्म नियर हाईज यहाँ पर बनते हुए हमने देखे हैं। और जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग में जाना है डायरेक्शन सही है लेकिन उठापटक बनी रह सकती है, और 60-40 के हिसाब से सोना और चांदी यहाँ पर ही अपने पोर्टफोलियो में डिवाइड करके चलेंगे। बहुत शुक्रिया बिरेन जी प्रीतम साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर हमारे व्यूअर्स को राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।